लेक्चर होगा हाउ टू अर्न ऑनलाइन इन डॉलर्स। जी, पहले तो हमें अपनी डायरेक्शन सेट करनी होगी कि हमने कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर अर्निंग करनी है, और उसके अलावा हमारी स्ट्रेटजी हो। ठीक है, डायरेक्शन तो हमारी राइट वे पे हो, लाइक कि freelancer.com है, fiverr.com है, या अपवर्क है, कि किसके ऊपर हमने वर्कआउट करना है। सेकेंडली, फ्रीलांसिंग सब समझते हैं कि बहुत आसान काम है, पर ये मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन एक एरिया से नहीं होता, एक आपकी क्लास से नहीं होता, एक आपकी कंट्री से नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया से कंपटीशन होता है इसमें। मतलब अगर आप एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वहाँ से भी फ्रीलांसर बैठे हुए हैं जो वो आर्टिकल लिखना चाह रही हैं, वो सेम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पूल है, ठीक है ना, जिसमें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको हार्डवर्क और कंसिस्टेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ उसमें से रिलायबल हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की, जिसमें freelancer.com है, fiverr.com है, अपवर्क है जो पहले ईलांस और डेस्क वगैरह थी। अब क्या है कि freelancer.com मैं इस वजह से डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने freelancer.com के ऊपर ज़्यादा वर्क किया है। अब मैंने ये वर्कआउट शुरू किया था 2009 में, और अब 2018 जा रहा है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस में ना, और बहुत ज़्यादा दोस्तों को मैंने 2009 से आज तक गाइड किया है। और अब आके मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊं जिससे ऑटोमेटिकली वो लोग फायदा उठा सके जिनको मैं नहीं जानता या जो मेरे सर्कल में नहीं है। जब मैंने पहली दफा 2009 में अपने दोस्त से कॉलेज में सुना नाम freelancer.com का, तो मैंने इसको ट्राई किया, पर इससे पहले भी मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म ट्राई कर चुका था जो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो लेटर स्कैम निकले थे। हर 3 या 4 महीने मेहनत करवाते थे तो उसके बाद पता चलता था जी ये पेमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। बट freelancer.com जब मुझे मिला तो पता चला कि ये स्कैम नहीं है और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि जी 2009 में मुझे दोस्त के थ्रू पता चला ये सारा चीज़ें। और अब 2009 के बाद मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया, अपने कॉलेज में भी, आउटसाइड कॉलेज दोस्तों को भी, और वो भी बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, और अभी तक मुझे खुशी है कि वो इस बिजनेस में बड़े कामयाब जा रहे हैं। अब आपने कुछ चीज़ें जो है ना माइंड में रखनी है कि फ्रीलांसिंग, जिसका मैंने पहले भी बताया था लेक्चर के शुरू में, कि कप ऑफ टी नहीं है, आसान काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यह कोई आसान तरीका मिल जाए ऑनलाइन अर्निंग का, तो ये उसमें से नहीं है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि जी आप सोचें कि जी ये हो ही नहीं सकता, नहीं, बहुत आसान है। इफ़ यू आर MBA स्टूडेंट, इवन ACCA स्टूडेंट, लाइक इवन आप, ये तो बहुत हाई डिग्री या हाई क्वालिफिकेशन हो जाती हैं। अगर आप सिंपल इंटर हैं या OE लेवल हैं, इवन देन फ्रीलांसर पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे फ्रीलांसर के ऊपर, फिर आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल में लाइक आप की क्वालिफिकेशन क्या है, आप MBA हैं, BCS हैं या मेडिकल डॉक्टर हैं, आप वो लिखेंगे ताकि आपका एम्प्लॉयर रिलेटेड टू आपकी फील्ड आपको प्रोजेक्ट दे। आपने जो एजुकेशन है करेक्ट लिखनी है, क्योंकि अगर आप करेक्ट एजुकेशन नहीं लिखेंगे तो फिर लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप MBA के स्टूडेंट हैं और आप मेडिकल लिख देते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट आएंगे वो रिलेटेड टू मेडिकल्स आ रहे होंगे। ठीक है, या अगर
कोई एम्प्लॉयर आता है उसको मेडिकल से रिलेटेड काम चाहिए, तो वो आपकी प्रोफाइल देखते हुए आपको हायर कर लेगा, और जब आपसे काम नहीं होगा तो वो फिर आपको